अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लाई हूँ वनीला टी केक की, जो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पंजी है। और जिसको बनाने के लिए आपको चाहिए है एक कप मैदा, आधा कप ऑयल, एक कप चीनी, आधा कप दूध, दो से तीन कतरे वनीला एसेंस के, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 2 अंडे चाहिए होंगे। सबसे पहले आपने ओवन को प्रीहीट करना है। अगर आपके पास बेकिंग ओवन नहीं है तो आप नॉनस्टिक कढ़ाई या प्रेशर कुकर में बना सकते हैं। इसको आपने 10 मिनट्स के लिए नॉर्मल फ्लेम पर प्रीहीट करना है। उसके बाद आपने एक मोल्ड लेना है। टी केक बनाने के लिए आपको इस शेप में मोल्ड की ज़रूरत पड़ेगी और इसमें आपको ऑयल और मैदा लगाकर उसको ग्रीस कर लेना है। उसके बाद आपने ब्लेंडर में 2 अंडे शामिल करने हैं और इसके अंदर शामिल करना है 1 कप चीनी। और चीनी को आपने पाउडर फॉर्म में नहीं करना, इसको ऐसे ही यूज़ कर लेना है। और इसके अंदर शामिल करना है 1/2 कप ऑयल और इसको अच्छे से ब्लेंड करना है 2 मिनट्स के लिए। ब्लेंड करने के बाद आपने बैटर को बाउल में शिफ्ट कर देना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। और इसके अंदर शामिल करना है मैदा। पहले आप 1/2 कप मैदा शामिल कर लें ताकि आपको मिक्स करने में आसानी हो जाए। उसके बाद बाकी का शामिल करके उसको अच्छे से मिक्स कर लें। और इसके अंदर शामिल करें 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स करें। और इसके अंदर शामिल करें 2 से 3 कतरे वनीला एसेंस के। अगर आपके पास वनीला एक्सट्रैक्ट है तो आप 1/2 टीस्पून वो शामिल कर सकते हैं। और अब इसको अच्छे से मिक्स करें, क्योंकि बैटर अभी ठीक है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे दूध। अगर आपको बैटर ठीक और लगता है तो आप इसके अंदर दूध थोड़ा सा और शामिल कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करें। इसको इतना मिक्स करना है कि अच्छे से कम्बाइन हो जाए। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बैटर इतना ठीक होना चाहिए। अब इसको मोल्ड में शिफ्ट कर दें और इसको अच्छे से टैप करें। और टैप करने के बाद इसको बेक करने के लिए रख दें। इसको आप 35 से 40 मिनट्स के लिए नॉर्मल हीट पर आपने इसको बेक करना है। अगर आप बेकिंग ओवन में बना रहे हैं तो आपको 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 35 मिनट्स के लिए इसको बेक करना है। ये देखें व्यूअर्स, केक जो है वो बेक हो चुका है। इसको आपने टूथपिक की मदद से उसको चेक करना है। अगर केक की साइड्स जो हैं वो ब्राउन हो जाएं और केक ऊपर से राइज हो जाए तो इट्स मीन ये कम्प्लीटली बेक है। तो अब इसको आपने निकाल लेना है, इसको ठंडा करना है। और इसके बाद इसके मैं अब स्लाइस जो है वो आपको काट के दिखाती हूँ। व्यूअर्स, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और उसके बाद मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और बहुत ही मज़े का और बहुत ही सॉफ्ट केक बना है। इसका एक स्लाइस जो है मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी है। इट्स रियली सुपर सॉफ्ट। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching my video.